दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि अपने सैमसंग के स्मार्ट टीवी में अपने फोन के स्क्रीन को मिररिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी साइज का आपका सैमसंग का स्मार्ट टीवी हो। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से स्क्रीन को कास्ट किया जाता है अपने सैमसंग के स्मार्ट टीवी में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोन के स्क्रीन को कास्ट करने के लिए आपको इसमें सिंपल सा एक काम करना है, अपने फोन के वाईफाई को इनेबल कर दीजिए, उसके बाद स्क्रीन कास्ट के फीचर को ऑन कर लेना है। सारे फोन में अलग अलग नाम से ये फीचर्स देखने को मिल जाती है। मैं फिलहाल ओप्पो का फोन यूज कर रहा हूँ तो इसमें आपको स्क्रीन कास्ट के नाम से देखने को मिल जाती है। उसी तरह अगर सैमसंग का स्मार्टफोन होगा आपके पास तो उसमें स्मार्ट व्यू के नाम से आएगा। साथ ही साथ अगर आपका एमआई का फोन है तो उसमें स्क्रीन मिररिंग करके नाम आएगा। तो सब फोन में अलग अलग नाम आता है, तो मैं फिलहाल ओप्पो के फोन यूज कर रहा हूँ तो इसे किस तरह से कास्ट किया जाता है देख लेते हैं। तो सिंपली स्क्रीन कास्ट को ऑन कर लेते हैं। ऑन करते ही यहाँ पे लोकेशन को इनेबल करने के लिए पूछा जा रहा है तो इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारा मॉडल यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टीवी लगा हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारा मॉडल देखने को मिल रही है। आपके घर पे एक ही मॉडल आएगा तो उसे सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा मॉडल है। जैसे ही इसे कनेक्ट करने के लिए प्रोसेस करते हैं तो आप टीवी में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली इसे हम अलाउ कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम अलाउ का ऑप्शन आएगा। अगर आप एक फोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो सिंपली इसमें आपको वन टाइम अलाउ करना होगा। सेकेंड बार में जब भी कास्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही अलाउ करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा फोन का स्क्रीन फुल्ली यहाँ पे कास्ट हो चुका है। आप जो भी चीज़ यहाँ फोन में चलाएंगे वो चीज़ वहाँ पे आपको मिरर हो चुका है, वहाँ पे चलने लगेगा। तो मैं सिंपली एक सॉन्ग चला के देख लेता हूँ कि इसका क्वालिटी किस तरह का देखने को मिल रही है। तो मैं YouTube खोल लेता हूँ। YouTube खोलने के बाद यहाँ पे सॉन्ग का नाम सर्च कर ले रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही सॉन्ग को प्ले करते हैं और इसे फुल स्क्रीन में करते हैं तो यहाँ टीवी में भी आपको फुल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। सॉन्ग का क्वालिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह का क्वालिटी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा फोन का स्क्रीन मिरर हो चुका है, काफी अच्छे क्वालिटी में यहाँ पे देखने को मिल रही है, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रही है, काफी स्मूथ ये पिक्चर देखने को मिल रही है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से अपने सैमसंग के स्मार्ट टीवी में अपने फोन को स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह का यूजफुल कंटेंट आप सबके लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।